हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्लॉग मंत्रा मेरे साथ। आपका भी ब्लूटूथ कई बार दोस्तों प्रॉब्लम क्रिएट करता होगा, आपके लिए कोई भी कनेक्शन प्रॉब्लम आती होगी या फिर बार बार आपका ब्लूटूथ जो है वो क्रैश होता होगा किसी अदर डिवाइस के साथ, अगर आप पेयर करना चाहते हैं तो वो पेयर नहीं होता हो, तो ये सब प्रॉब्लम्स के लिए आपको दोस्तों क्या क्या करना चाहिए वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं आरंभ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग के अंदर जाना है और सबसे पहले जो बेसिक चीज़ करनी है वो आपको चेक कराना है आपका ब्लूटूथ ऑन है या नहीं ऑन है। तो ब्लूटूथ की सेटिंग में जाइए और वहाँ पे देखिए कि आपका ब्लूटूथ ऑन भी है या नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट कई बार ऐसा होता है कि आपने ऑन किया है लेकिन वो कुछ देर बाद अपने आप ही ऑफ हो जाता है। तो सबसे पहले आप ये जाके चेक करिए कि आपका ब्लूटूथ ऑन है या नहीं है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, अगर आपके पास कोई दूसरा डिवाइस है कनेक्ट करने के लिए और उसको आप कनेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर पेयरिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कई बार जो अदर पहले से अगर आपने किसी भी अदर डिवाइसेस को पेयर किया हुआ है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पेयर डिवाइसेस के नाम से सेव रहते हैं और वो आपको यहाँ पे दिखाई देते रहते हैं। तो ये कई बार दोस्तों किसी नए डिवाइस को कनेक्ट होने से रोकते हैं। तो सबसे पहले आप इनको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके इनको रिमूव कर दीजिए या फिर अनपेयर कर दीजिए, ये यहाँ से हट जाएंगे। और इनको यहाँ से रिमूव करने के बाद दोबारा से एक बार ट्राई करिए कनेक्ट करने की। इसके बाद दोस्तों आप तीसरी चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं, वो है ये कि आपको अपने सेटिंग के अंदर जाना है। यहाँ पर एडवांस सेटिंग आपको देखने को मिल रहा है मेरे स्मार्टफोन के अंदर, ओप्पो F11 प्रो मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और स्मार्टफोन है वहाँ पे भी आपको एडवांस सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा ज़रूर। तो उसकी सेटिंग्स के अंदर जब जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पे देखना है कि आपका विजिबल टू अदर डिवाइसेस ऑन है या नहीं है, यानी कि अगर आप इसको ऑफ रखेंगे तो आपका जो डिवाइस है कोई भी अदर डिवाइसेस जो ब्लूटूथ का है वो उसको स्कैन नहीं कर पाएगा और वो कनेक्ट भी नहीं हो पाएगा। तो इससे सबसे पहले आपको इसको ऑन रखना है ताकि कोई भी ब्लूटूथ का अदर डिवाइस जो है वो आपके डिवाइस को स्कैन कर पाए। तो ये चीज़ आपको ऑन रखनी है, ये चीज़ आपको सेटिंग के अंदर मिल जाएगी एडवांस सेटिंग के अंदर। अदरवाइज इनके सबके करने के बाद भी अगर आपका जो ब्लूटूथ है वो नहीं चल रहा है तो एक बार ट्राई कीजिए, ब्लूटूथ को बंद करके वापस से ऑन करिए या फिर आप अपने स्मार्टफोन को रीबूट कर दीजिए या फिर रिस्टार्ट कर लीजिए, बंद करके ऑन करके देखिए दोबारा से और फिर ट्राई करिएगा। इसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो एक चीज़ और मैं लास्ट आपको बता देता हूँ, वो चीज़ भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपके स्मार्टफोन की सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऐप्स का ऑप्शन मिलता है ऐप मैनेजमेंट का, मेरे स्मार्टफोन में ऐप मैनेजमेंट के नाम से है, आपके में सिस्टम ऐप्स के नाम से भी हो सकता है या फिर नॉर्मल एप्लीकेशन के नाम से भी हो सकता है, एप्लीकेशन मैनेजर के नाम से भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको उस एप्लीकेशन के अंदर जाना और वहाँ पर आपको ऐप लिस्ट के अंदर जाना है। ऐप लिस्ट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपकी बहुत सारी जो ऐप्स हैं वो दिखाई देंगी लेकिन यहाँ पे आपको ब्लूटूथ की ऐप नहीं दिखाई देगी सर्च करने पर भी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, वहां पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, जैसे मेरे स्मार्टफोन में आप ऊपर देख रखे हैं दो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वहां पे आपको शो सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा या फिर सिस्टम ऐप्स के नाम से बाहर ही आपको यह ऑप्शन मिल सकता है। तो मेरे स्मार्टफोन के अंदर यहां पर है तो मैं यहां पर इसको शो सिस्टम कर देता हूं। सो सिस्टम के अंदर की जितनी भी ऐप्स हैं वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। तो यहां पर दोस्तों आपको ब्लूटूथ सर्च करवाना है, तो यहां पर आप ब्लूटूथ सर्च कराएंगे तो यहां पर ब्लूटूथ की सेटिंग आ जाएगी आपके सामने, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां पे जाने के बाद आप इसको यहां पे एक बार फोर्स स्टॉप करके वापस से अपने ब्लूटूथ को ऑन करके देखिए और फिर कनेक्ट करके देखिएगा। अदरवाइज जब भी नहीं होता तो ये स्टोरेज का ऑप्शन है दोस्तों, इसके ऊपर आप क्लिक करिए और यहां पे क्लियर कैश मेमोरी को है ये ऑप्शन है आपका, ये क्लियर कर दीजिए और यहाँ पे क्लियर डाटा का भी ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर भी क्लिक करके इसको क्लियर डाटा कर दीजिए। इसके बाद आप कनेक्ट करेंगे तो 99.9% चांस हैं कि आपका जो ब्लूटूथ है वो ठीक से काम करेगा और सही से पेयरिंग कर पाएगा दूसरे डिवाइसेस के साथ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही रखते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, आई होप आपकी जो प्रॉब्लम है ब्लूटूथ से रिलेटेड वो सॉल्व हो जाए। इस वीडियो को देखने के बाद आप ट्राई ज़रूर करिएगा जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, वीडियो को नहीं समझ में आ रहा जो भी मैंने बताया आपको, या फिर किसी भी अदर वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर आप भी किसी चीज़ का सोल्यूशन चाहते हैं, किसी भी टेक चीज़ का सोल्यूशन चाहते हैं, किसी भी सेटिंग्स का सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर आप मेरे को मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपके लिए कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को अंदर सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बने रहिए टेक्लॉग मंत्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत।